नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स की परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि MPPSC प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम एवं आपके इंटरव्यू आदि के लिए भी उपयोगी है। तो मध्य प्रदेश के चर्चित स्थल एवं चर्चित व्यक्तित्व के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं चर्चित स्थल कौन कौन से हैं, ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो सर्वप्रथम नाम आता है सिंगरौली। सिंगरौली जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारम्भ किया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है उसे ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है और यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु पर है। दो प्रदेशों की सीमाओं से यह छूता हुआ मध्य प्रदेश की शोभा बढ़ाता है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किया, यह हमें याद रखना है। माइनिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे सिंगरौली में। सांची, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु राय चौधरी और पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म मंत्री जो उषा ठाकुर ने बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क एवं पर्यटक सुविधा केंद्र का लोकार्पण किया गया है सांची में। सांची जो कि बौद्ध आस्था का केंद्र है, यहाँ पर विदिशा के निकटस्थ स्थित है, यहाँ पर अधिक मात्रा में बौद्ध स्तूप भी स्थापित हैं। तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु राय चौधरी और पर्यटन संस्कृति अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क और पर्यटक सुविधा केंद्र का लोकार्पण यहाँ पर किया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं महू की। तो मालवांचल का चौथा शहर जहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो चौथा शहर मालवांचल का महू जहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद यदि हम चर्चा करते हैं झाबुआ की, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ में मुर्गी की प्रजाति कड़कनाथ में बर्ड फ्लू वायरस पाया गया है, इसलिए झाबुआ का नाम आपको सुनने में आ रहा है। इसके बाद जो है उमरिया, फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत जो है वह उमरिया ज़िले से की गई है। जामठी, जामठी का नाम क्यों सुनने में आ रहा है, क्यों यह प्रसिद्ध हो रहा है यह प्रमुख स्थल, तो बैतूल जिले के जामठी में भारत भारती शिक्षा समिति के प्राथमिक स्कूल भवन का लोकार्पण केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। इसके बाद जो है रामपुर नेकिन सीधी जिले में स्थित यात्रियों से भरी बस सोन नदी पर बने बाण सागर बांध की मुख्य नहर में बस 22 फीट नीचे गिर गई, जिसमें 47 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए रामपुर नेकिन का नाम सुनने में आ रहा है। खजुरिया, सागर जिले के खजुरिया गांव में 100 साल पुराने ब्रिटिशकालीन चांदी के सिक्के मिले हैं, आपको यह ध्यान रखना हो खजुरिया का नाम कि सागर जिले के खजुरिया गाँव में 100 साल पुराने ब्रिटिशकालीन चांदी के सिक्के मिले हैं। और सागर में दूध और इससे बने उत्पादों की मौके पर ही जांच करने के लिए मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला की शुरुआत कहां से की गई है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के सागर में जो है मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। दूध और इससे बने उत्पादों की मौके पर जांच करने के लिए मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। रिठौरा क्या है, तो मुरैना जिले के रिठौरा में अटल बिहारी वाजपेयी सभागार का निर्माण किया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी सभागार का निर्माण मुरैना जिले के रिठौरा में किया गया है। इंदौर, मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक स्थापित की गई है इंदौर में। मध्य प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ है, इंदौर को मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक जो है वह इंदौर में स्थापित की गई है। नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में प्राचीन शैलचित्र की खोज की गई है। मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुर जिला है यहाँ पर प्राचीन शैलचित्र की खोज की गई है। हाटपिपल्या, देवास जिले के हाटपिपल्या में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके बाद छतरपुर, कोरोना वायरस संक्रमण लॉकडाउन के समय युवाओं ने नागरिकों को घर बैठे खाने पीने का आवश्यक घरेलू सामान जो है वह
उपलब्ध कराने के लिए रसोई घर मोबाइल ऐप बनाया। तो मोबाइल रसोई घर मोबाइल ऐप की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से प्रारंभ हुई थी। और कोरोना वायरस संक्रमण लॉकडाउन के समय युवाओं ने नागरिकों को घर बैठे खाने पीने का आवश्यक घरेलू सामान उपलब्ध कराने के लिए रसोई घर मोबाइल ऐप बनाया था। निवाड़ी, राज्य के निवाड़ी में सोमनाथ मंदिर की तरह राजा राम मंदिर बनाया जाएगा। निवाड़ी में जो है सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर ही राजा राम मंदिर बनाया जाएगा। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय केला कार्यशाला के में अवार्ड से नवाजा गया है। इटारसी का नाम क्यों प्रसिद्ध हो रहा है? तो मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन को बालमित्र रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो इटारसी रेलवे स्टेशन है इसको बालमित्र रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। तामिया, छिंदवाड़ा जिले के तामिया में सेरिडिटी लेक्स एंड रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद मुलताई पवित्र नदी ताप्ती महोत्सव जो है यहाँ पर 27 से 29 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया था। मरेना, भारत माला परियोजना के अंतर्गत चंबल एक्सप्रेस वे का मध्य प्रदेश मुरैना जिले में है। इसके बाद जो है कसराबाद क्यों प्रसिद्ध हो रहा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिर्ची उत्पादन करने वाले जिले खरगोन में मिर्च महोत्सव का जो आयोजन है वह कसराबाद में किया गया था, इसलिए कसराबाद का नाम आ रहा है। और जो आपको बता दें, रामनगर, मंडला जिले के रामनगर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा मध्य प्रदेश में आदिवासी महोत्सव का आयोजन का शुभारम्भ किया गया था। ग्वालियर जो है देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में शुरू किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में शुरू किया गया है। उज्जैन, मध्य प्रदेश में कोविड-19 के कारण पहली मृत्यु उज्जैन जिले में हुई थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कोविड-19 से संबंधित जरूर IMP प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि उज्जैन में मध्य प्रदेश में कोविड-19 के कारण पहली मृत्यु उज्जैन जिले में हुई थी। उसके बाद तो ऐसा कोई भी जिला छूता नहीं रहा जहाँ पर मृत्यु न हुई हो। जिला क्या, गाँव और शहर और तहसीलें सभी में कोविड-19 के द्वारा मृत्यु हुई है। सिंगरौली, मध्य मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शुभारंभ किया गया था। अब इसकी बात करते हैं, गोटेगांव नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गोटेगांव नरसिंहपुर में नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। जबलपुर, मध्य प्रदेश का पहला जियो पार्क जबलपुर में बनाया गया है। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला जियो पार्क जबलपुर में बनाया गया है। सांची, बुद्ध जम्बूदीप पार्क और पर्यटक सुविधा केंद्र का लोकार्पण स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और पर्यटन संस्कृति अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। बांचा जो है बैतूल जिले में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने घोड़ा डोंगरी विकासखंड के ग्राम बांचा में सौर ऊर्जा से रसोई गैस बनाने का प्रकल्प लोकार्पण किया था। तो बांचा का नाम आपको याद रखना, आप क्यों याद रखना है? तो बैतूल जिले में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोड़ा डोंगरी विकास खंड के ग्राम बाचा में सौर ऊर्जा से रसोई गैस बनाने के प्रकल्प का लोकार्पण किया है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित स्थल जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम आदि के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ी रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे।